गुड मॉर्निंग एवरीवन आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास टेंथ मैथ्स एन सी आर टी में जो टू थाउजेंड नाइनटीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस तो शुरू करते हैं हम लोग और उन क्वेश्चंस को करेंगे जो इस बार आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है ओके okay, तो उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो पिछले पेपर में आए थे और जो इस बार भी इनके आने की संभावना है ठीक है तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कह फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर वेर इज अ डायमीटर ऑफ़ अ सर्कल तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए फिर बोलता है ए बी इज अ डायमीटर डायमीटर आपको पता है सेंटर से जाने वाली एक लाइन जो सरकम फ्रेंस टू सरकम फ्रेंस है इसको कहा गया ए बी बोल रहा है रहे सेंटर इज टू कामा माइनस थ्री उसका एक सेंटर है जो है टू कामा माइनस थ्री एंड बी इज द पॉइंट वन कामा फोर बी जो पॉइंट है वो है वन कामा फोर तो आपको बताने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ए आपको A का कोऑर्डिनेट बताना है ठीक है तो देखिए डायमीटर जो होता है बच्चे वो एक ऐसी कॉर्ड है मतलब एक ऐसी लाइन है सीधी लाइन जो सेंटर से जाती है और सरकम में एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो आप ध्यान से देखेंगे रेडियस होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा एक डायमीटर में असल में दो रेडियस होते हैं तो d इज इक्वल्स टू होता है कितना टू ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस तो इसका मतलब ये जो सेंटर वाली जो सेंटर uh, वाला जो पॉइंट है ये इससे और इससे बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पर होगा इसका मतलब भी बिल्कुल बीचों बीच है इसलिए हम इसको सेंटर कह रहे हैं है ना तो इन दोनों डिस्टेंस का मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका ठीक आधे पे ये होगा बीचों बीच होने का मतलब यही तो है देखिए अगर हम बोलें कि कोई चीज एकदम बीचों बीच है कोई जगह एकदम बीचों बीच है तो इसका मतलब होगा कि इस टोटल डिस्टेंस के ठीक आधे पर होगा वो तो वैसे ही इस पूरे डायमीटर के ठीक आधे पर होगा ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये जो दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं ये एक्स के डिस्टेंस का आधा होगा और वाई के डिस्टेंस का भी आधा होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है इसका फॉर्मूला होता है अगर आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालना है तो इसका मतलब होगा कि एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एक्स का जो डिस्टेंस होगा उसका ठीक आधा ये वाला डिस्टेंस आएगा और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू करेंगे तो फिर ये वाई का डिस्टेंस आया होगा ठीक है अब हम वैल्यू रख लेते हैं इसमें इस, इस मामले इस में तो एक्स वन कितना है हमारे पास ये तो हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया इसको एक्स और इसको मान लिया वाई ठीक है और ये कोऑर्डिनेट हमारे ये रिजल्ट है जो यहाँ पर आने हैं ओके एक्स वन कितना गया हमारे पास हमें नहीं पता वो x ही है प्लस x2 कितना है वो ये रहा वन अपॉन में टू और इज इक्वल्स टू हमारे पास रिजल्ट कितना आया टू अब ऐसे ही वाई की जगह पे क्या रखेंगे वाई वन की जगह पे वाई प्लस वाई टू की जगह पे, पे फोर और अपॉन में टू इक्वल्स टू आया है माइनस थ्री हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रहा होगा उन और उसको और इसको ऐड करके ही आया होगा अपॉन टू करेंगे तो इसको और इसको ऐड करने पर अपॉन टू करेंगे तो फिर ये आया होगा ठीक है तो वही बात हमने यहाँ पे इक्वेशन एक, बना के रख दी सॉल्व करेंगे ये यह तो यहाँ पर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री टूजा माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स और माइनस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टेन तो जो कॉर्डिनेट हमारे एक्स वाई के वो कितने आ गए थ्री कॉमा माइनस अब देखिए बेचो ऐसा ही क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में इस तरह से भी हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल बोल दे कि कौर्ड, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में जो एक रेक्टेंगल है और उसमें आपको बोल दे कि आपको ये पॉइंट्स दे दे उसके ये जो वर्टेक्स हैं ये दे दे जैसे कि यहाँ पे बोल दिया टू थ्री है ये फोर फाइव है और बोले कि इसका जो सेंटर है ना यहाँ पर ये ये जहाँ पर दोनों डाइगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बायसेक्ट करते हैं वो सेंटर पॉइंट निकालिए तो उस पर भी यही रूल लगेगा देखिए क्योंकि ये सेंटर पॉइंट भी एग्जैक्टली exactly ऐसे बिहेव करेगा क्योंकि तो ये भी सेंटर ही था ये भी सेंटर ही है तो दिस प्लस दिस अपॉन टू तो ये आएगा दिस प्लस दिस अपॉन टू तो ये आएगा अगर यहाँ से बोलता है तो भी ऐसा ही होना है तो रेक्टेंगल में बोले पैरेलेलो में बोले ये देख रहे हैं आप पैरेलो में भी बोलता है तो भी यही होगा क्योंकि पैरेलो के लिए भी ये पॉइंट जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होता है इस डायगनल के लिए भी सेंटर में और इस डायगनल के लिए भी सेंटर में तो आप सर्कल बोले तो शेप बाहर से कुछ भी बना ले कोई भी शेप कोई भी शेप बना लेते जैसे यहाँ पे सर्कल बना दिया यहाँ पे बाहर से देखिए रेक्टेंगल बन गया लेकिन देखिए इन तीनों चीज़ों इन तीनों जो शेप हैं इन इन तीनों जो इमेजेस हैं इनमें एक ही चीज़ कॉमन है कि जो लाइन है वो एकदम सीधी है और उसका एक बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है ये लाइन भी एकदम सीधी है और उसका एक सेंटर पॉइंट है ये लाइन भी एकदम सीधी है और ये इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है देख रहे हैं आप बाहर का शेप डिफरेंट हो सकता है बट लेकिन जो फॉर्मेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बिल्कुल सबका एक जैसा ही है क्योंकि देखो तीनों में कॉमन चीज आ रही है बिल्कुल कॉमन है क्या कि एक लाइन है सीधी और उसके लिए सेंटर पॉइंट बोला है ठीक है तो तीनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से होगा कोई चेंजेस नहीं आने क्योंकि लाइन है और उसका सेंटर पॉइंट में निकालना है ओके ठीक है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहे फॉर वट वैल्यूज ऑफ के द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल ये जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे के एक दे रखा है कॉन्स्टेंट करके दे रखा है वो सॉरी वेरिएबल दे रखा है जिसका वैल्यू हमें निकालना है बोल रहे क्या वैल्यू आना चाहिए इसमें कि जो पूरी इक्वेशन है इसके जो रूट है वो रियल आ जाए देखिए रियल रूट, रूट का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू या ऐसा ऐसा नंबर जिसको हम इस इक्वेशन में रखें और वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए ठीक है और रियल का मतलब हो गया कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए जो रूट के अंदर ऐसा है माइनस टू माइनस थ्री करके ऐसा ना आए कोई ये ऐसा करके कोई वैल्यू ना आए ऐसा कोई वैल्यू ना आए मतलब इसके अलावा कुछ भी आए वो रियल कहलाएगा हमारे लिए ठीक है तो रियल रूट का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो मैं यहाँ रखूँ और पूरा का पूरा ये इक्वेशन एक, जीरो जाए और दूसरी बात कि वो, वो नंबर होना चाहिए इस तरह से बिल्कुल नहीं मतलब वो ऐसे हो जाए कोई बात नहीं माइनस में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन कुछ भी हो जाए थ्री हो सकता है माइनस थ्री हो सकता है ठीक है माइनस वन बाई फोर हो सकता है फोर हो सकता है ठीक कुछ भी वैल्यू हो जाए लेकिन ऐसी वैल्यू ना हो रूट के अंदर माइनस में ना हो तो ये रियल नहीं होता ये इमेजिनरी होता है तो वो बोलता है कि रियल रूट बताना है आपको तो रियल रूट का मतलब एक अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा मैं सॉल्यूशन कर देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉइंटमेंट टू ए तो अगर आपको रियल रूट ढूंढने हैं तो उसके लिए केवल इसको इसको सॉल्व करना है हमें तो उसके लिए क्या होगा जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ये, ये वाला देख रहे हैं आप ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए अब जरा समझिए इस बात को यही तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि माइनस में नहीं आना चाहिए बात माइनस में आने का मतलब है कि कोई नंबर देखिए नंबर लाइन बनाए आप जीरो वन टू थ्री फोर फिर यहाँ पे माइनस वन फिर माइनस टू माइनस थ्री ऐसा करके चलेगा तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, तो है हैं ये तो ज़ीरो से छोटी है ना देख रहे हैं ये जीरो से छोटी है वैल्यूज तो वो तो कह ही रहा है कि रियल होना चाहिए और रियल तभी होगा जब हमने बोला था कि रूट के अंदर माइनस में ना हो और अगर रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए तो उसके लिए उसको जीरो जीरो से बड़ा होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए देखिए ज़ीरो माइनस में नहीं है और ज़ीरो से बड़े तो माइनस में होते ही नहीं जीरो से जो छोटे होते हैं वही केवल माइनस में होते हैं तो हम यहाँ पर उस बात को डिफाइन कर रहे हैं कि ज़ीरो कि ये तो वो बराबर हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए यानी ये जो वैल्यू है या तो ये जीरो के बराबर हो ये पूरा ज़ीरो आ जाए सॉल्व करने पे तो भी चलेगा और जीरो से बड़े कोई वैल्यूज़ हो जैसे जीरो से बड़ा क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी वो भी आ जाए तो भी चलेगा तो भी वो रियल रूट होगा तो यही बात हमें यहाँ पर रखनी है हम यही तो कह रहे कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए है वो जीरो से बड़ा ही होना चाहिए या जीरो के बराबर हो जाए तो बस हमने ये दोनों कंडीशन रख दी ठीक है अब हम वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर यहाँ पे से ए कितना है ए देखिए फर्स्ट वाला जो होता है वो ए होता है ए वन है बी यहाँ पर सेकंड ए फोर है और सी हमें पता है कितना वो है के सी कितना है के इसका वैल्यू हमें निकालना है तो वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर बी की जगह पे क्या आएगा फोर का स्क्वायर माइनस फोर इन टू ए इन टू सीटर माइनस फोर के ग्रेटर तो ये आ गया कितना माइनस फोर के यहीं पर रहने देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये आ जाएगा सिक्सटीन को इधर ले जाएंगे माइनस में चला जाएगा ओके तो इसको uh, क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे और के का वैल्यू इसको लगा देंगे माइनस से माइनस गया फोर से फोर टाइम्स गया तो के का वैल्यू हो गया कितना ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर कि के का वैल्यू फोर भी हो सकता है और फोर से बड़ा भी हो सकता है इन सभी वैल्यूज़ के लिए जो ये वाला रूट है ये कितना आएगा रियल आएगा एकदम ओके ये एक करने का एक तरीका होता उद्धि वो इनक्वालिटीज़ में करना पड़ता है जो कि आपके पास नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है इक्वालिटी तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं मतलब जैसे आप इक्वल करते आए ही हैं आज तक ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन तो सेकंड को आप दो पार्ट सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट थे फर्स्ट हम कर चुके हैं ये सेकंड है, है इसका ऑप्शनल में है ही और वाला पार्ट है तो वो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर वो बोल रहे हैं ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आपको के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के, के मतलब होता है एक्स हो तो दूसरा मन अपॉन एक्स हो ऐसा करके अब आपको पता बचे, जो रूट्स होते हैं उसको हम अल्फा बीटा से शो करते हैं कि सपोज हम ऐसे मान देते हैं जैसे मान लीजिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या आगे अल्फा एंड बीटा ठीक है और वो बोल रहा है कि के का वो वैल्यू फाइंड करना है आपको जिसके लिए इसकी जो रूट है मतलब ऐसा कोई नंबर यहाँ पर आ जाए कि जब मैं इनका इनके रूट निकालू तो एक अगर टू आ रहा हो तो दूसरा वन अपॉइंट टू आ रहा हो ऐसा कहना चाह रहा हो कि ऐसा कोई नंबर निकालिए यहाँ पर यहाँ पे के लिए कि एक जब मैं इसको सॉल्व करूँ याद होगा आपको जब हम स्प्लिटिंग प्लेडिंग मिडिल टर्म करते थे तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर करके ऐसा वैल्यू आता था, था ना लास्ट में लास्ट में आंसर आता था फिर वहाँ से निकालते थे एक्स माइनस टू इज टू जीरो पर एक्स का वैल्यू टू एक्स माइनस फोर इजीकल टू जीरो पर एक्स का वैल्यू फोर ऐसे निकालते थे हम लोग

बीटा ऐसे बोल रहा है वो बोल रहा है एक अल्फा है तो एक वन अपॉन बीटा है और अल्फा जो है वो इज इक्वल्स टू है वन बीटा के या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बीटा जो है वो इज इक्वल्स वन अपॉन अल्फा के ठीक है एक रूट हमें नहीं पता कौन सा वाला रूट है पर हमने बोला एक रूट है जो दूसरे का कितना है रेसिप्रोकल है तो अल्फा का जो वैल्यू आता है वो उतना ही आता है जो बीटा के वैल्यू को रेसिप्रोकल करने पे आ जाए ठीक है यही वो कह रहा है तो असल में वो कहना चाह रहा है कि एक रूट अगर अल्फा है

उसने अल्फा और प्लस बीटा की जगह पे भी क्या बोला था वन अपॉन एल्फा मैं ये वाली ये वाली स्टेटमेंट ले रहा हूँ इसको नहीं ले रहा हूँ ठीक है इजिक्वल्स टू माइनस बी ए माइनस और माइनस टेन और अपॉन ए कितना आ गया थ्री तो यहाँ से हमारा अल्फा का वैल्यू आएगा तो हमें ये नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें के का वैल्यू चाहिए के तो यहाँ आ ही नहीं रहा है तो हम सी ए ए से करते हैं देखिए अल्फा इन टू बीटा की जगह फिर से वन अपॉन एल्फा रखूंगा और सी अपने सी कितना है यहाँ पर के अपॉन ए कितना है थ्री तो अल्फा से एल्फा गया यहाँ पे बचता है कितना यहाँ पे बचता है और के का वैल्यू कितना जाएगा? थ्री, थ्री। ये वो वैल्यू है जो हम यहां पे रखें अगर तो दोनों रूट एक दूसरे के आएंगे ठीक है आप चेक भी कर सकते देखिये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और प्लस के की जगह पे क्या रखना है थ्री अब जरा रूट निकालेंगे इसके हम थ्री थ्री जो नाइन कैसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर टेन आए नाइन कैसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर टेन आए नाइन वन से नाइन होता है तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री थ्री कॉमन ले लेंगे एक्स भी कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री माइनस वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री तो एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस थ्री टू जीरो पर एक्स इजीक्ल टू थ्री आ रहा है और थ्री एक्स माइनस वन टू जीरो पर एक्स इजी वन थ्री आ रहा है देखिए आ रहा है कि नहीं एक वन थ्री आ गया

ए माइनस ट्वेंटी फोर डिग्री के बराबर है तो आपको ए का वो वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा यहाँ पर ए तो देखिए हमें एक रूल पता है बच्चों। साइन कॉस्ट टेन में आपको पता है नाइन्टी प्लस माइनस थीटा का रूल कि जो टेन नाइन्टी प्लस थीटा बोलो या माइनस थीटा बोलो टेन नाइन्टी माइनस थीटा वो जाता है कॉट थीटा और कॉट नाइन्टी माइनस थीटा वो जाता है टेन थीटा ठीक है तो कॉट नाइन्टी माइनस थीटा करते हैं तो रिज़ल्ट आता है टेंथ थीटा तो यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट ही तो है तो ये रिज़ल्ट कहाँ से आया होगा ये रिजल्ट आया होगा इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यानी ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर हो गया तो ये आंसर कहाँ से आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो जब यहाँ पर नाइन्टी में से मैंने थीटा माइनस किया तो आंसर में भी थीटा ही आया है तो मैंने यहाँ पर नाइन्टी में से टू ए माइनस किया होगा तो इसका क्वेश्चन यही तो रहा होगा नाइन्टी में से मैंने जब टू ए माइनस किया होगा तभी तो ये आया होगा रिज़ल्ट देखिए नाइन्टी माइनस थीटा तो कॉट का टेन हो गया और थीटा एज इट इज आ गया तो यहाँ पर कॉट का टेन हो गया और थीटा की जगह पे जो जो वैल्यू था माइनस हम कर रहे थे वो एज इट इज आ गया तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा तो बस वही हम रख देंगे तो कॉट ए माइनस ट्वेंटी फोर तो कॉट से कॉट हट जाएगा कंपैरिजन में और ये आ जाएगा इजिक्वल टू ए माइनस ट्वेंटी फोर ए को एक तरफ कॉन्स्टेंट वैल्यूज एक तरफ तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो नब्बे चौबीस कितना होता है एक सौ चौदह और ये हो जाएगा थ्री एड नाइन टू आएगा इज आ गया डिग्री तो ए का वैल्यू क्या रहा होगा थर्टी एट डिग्री रहा होगा जिसके लिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ओके तो ठीक है ये हो गया थर्ड क्वेश्चन और इसका एक ऑप्शनल भी है वो करते हैं ठीक है शुरू करते हैं कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन आपको दे दी गई है एक स्टेटमेंट दे दी गई इसको आपको सॉल्व करना है आप देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन करते समय आप बात ध्यान रखें इन दोनों नंबर्स को देखिए ये दोनों ऐड करो आपको फिफ्टी सेवन थर्टी थ्री नाइनटी होता है तो मतलब यहाँ पे ना नाइन्टी वाला ही कुछ रूल लग रहा होगा वो यही वाला जो हम यहाँ पे टेन नाइन्टी माइनस थीटा कह रहे थे ना तो यहाँ पे जैसे साइन नाइन्टी माइनस थीट या कॉस नाइनटी माइनस थीटा वाला रूल ही लग रहा होगा इन दोनों को ऐड करके आ ही नाइन्टी रहे ठीक है तो क्वेश्चन ही ऐसे दिया रहेगा आपको कि नाइन्टी ही आए इन दोनों को ऐड करके ठीक है तो ये वाला रूल लगाएं जब वन भी आ सकता है लेकिन 180 आपके पास अभी है नहीं तो ये नाइन्टी वाला ही आएगा ठीक है तो आपने क्या करना है में तोड़ देना है चाहे कॉस के लिए तोड़िए ठीक है, है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर थर्टी थ्री और यहाँ पे मिल रहा है साइन स्क्वायर फिफ्टी सेवन तो ये वही रिजल्ट है देखिए फिफ्टी सेवन कैसे आया होगा देखिए पहले इस एक्सप्रेशन को ले देख साइन स्क्वायर थर्टी थ्री और प्लस साइन स्क्वायर इस फिफ्टी सेवन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ठीक है अब साइन स्क्वायर थर्टी थ्री और प्लस फिफ्टी सेवन को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन नाइन्टी में से अगर मैं थर्टी थ्री को माइनस कर दूँ तो फिफ्टी सेवन ही तो आता है ठीक है एक बात ध्यान यहाँ पे रखनी है कि कई बार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नाइन्टी में से इसी को माइनस कर देते हैं देखिए बच्चे नाइन्टी में से अगर आपने ये माइनस कर दिया तब तो आएगा थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री देखिए आपने तो वैल्यू ही बदल दी तो वैल्यू नहीं बदल सकते ना हम लोग यहाँ पे है तो फिफ्टी सेवन तो आना फिफ्टी सेवन चाहिए 90 में से वो नंबर आपको माइनस करना है कि जो जिसको माइनस करने पर 57 ही आए तो आपको लग रहा होगा कि थर्टी थी मैंने कैसे माइनस किया ये तो सिंपल प्लस माइनस वाला रूल है जैसे मान लीजिए मुझे सेवन लिखना है तो सेवन को मैं टेन माइनस थ्री लिख सकता हूँ ना तो मैंने टेन माइनस थ्री ही क्यों लिखा क्योंकि हो सकता है मेरे को कंडीशन टेन से दी बना बनानी पड़े इसलिए मैंने टेन से माइनस किया और लिखने के लिए तो मैं ट्वेंटी माइनस और थर्टीन भी लिख सकता था तो मेरी कंडीशन जो यहाँ पे बनती है जो मेरे लिए हेल्प होती है जिससे वो है नाइन्टी तो मैंने नाइन्टी में से वो माइनस किया जो फिफ्टी सेवन लेके आए ये बात ध्यान रखनी है आपने ठीक है तो नाइन्टी में से थर्टी थ्री माइनस करूंगा तो फिफ्टी सेवन आएगा तो बस अब हमें एक चीज़ मिल गई कि ये साइन अच्छा इसको ऐसे भी रखना स्क्वायर भी था बात साइन नाइन्टी माइनस थीटा हो गया तो साइन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है साइन नाइन्टी माइनस थीटा होता है कॉस थीटा कॉस नाइन्टी माइनस सीटा होता है साइन थीटा तो ये बना साइन स्क्वायर थर्टी थ्री प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी थ्री और आपको बताएं ये फिर से बन गया कौन सा वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा मतलब कोई भी एंगल हो यहाँ पर लेकिन दोनों जगह एक ही होना चाहिए देखिए ये थर्टी थ्री ये भी थर्टी थ्री एक ही होना चाहिए ये थीटा की ही वैल्यू है थीटा मतलब कोई सा भी एंगल कोई सा भी एंगल तो थर्टी थ्री डिग्री है ये ये भी थर्टी थ्री डिग्री है दोनों ही जैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू वन तो यह आ गया इसका वैल्यू

थ्री से वही तो डिवाइड होंगे जो थ्री के टेबल में आते होंगे है ना भाई जो थ्री के टेबल में ही नहीं आता होगा और थ्री से डिवाइड कैसे होगा तो थ्री के टेबल में कौन से आते हैं टेन तो नहीं आता है तो टेन के बाद क्या आता है इलेवन भी नहीं आता है फिर आता है ट्वेल्व तो यानी ये जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है वो बन रही है ट्वेल्व पहला उसमें नंबर जो आएगा वो आएगा ट्वेल्थ फिर ट्वेल्व के बाद थ्री फाइव जब फिफ्टीन फिर फिफ्टीन फिर एटीन और वो थ्री थ्री के गैप में ही होना है क्योंकि थ्री का टेबल पढ़ रहे हैं तो मतलब तीन तीन का गैप होगा तो ये जो सीरीज़ बन रही है हमारी वो बन रही है पहला ट्वेल्व आ गया फिफ्टीन आ गया एटीन आ गया और फिर लास्ट में जाते जाते ये नाइन्टी नाइन तक जाएगा क्योंकि तो नाइन्टी नाइन भी थ्री के टेबल में आता है बस ये पूरा सीरीज़ में आपको काउंट करने है कितने नंबर है अब करने के लिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक दो तीन चार ऐसे पूरा लिख दो नाइन्टी नाइन तक लेकिन हमें कैसे करना है इसको हमें इसे करना है ए पी से करेंगे से, हमें ठीक है देखिए हमें यहाँ पे एक सीरीज़ का पैटर्न तो मिल ही चुका है हमें ये पता चल रहा है कि ये एक सीरीज़ है और ये ए पी है क्योंकि देखिए ये प्लस थ्री प्लस थ्री से जुड़ी हुई है देख रहे हैं आप थ्री, 15 प्लस, थ्री 18 प्लस थ्री ऐसे आएगा ट्वेंटी वन प्लस से करते करते जाएगा तो इसमें हमें पता चल गया कि ये ए पी बन रही है तो इसमें पहला जो टर्म होता है वो ए होता है वो ट्वेल्व हो गया हमें कॉमन डिफरेंस डी पता है वो प्लस थ्री हो गया और हमें आखिरी टर्म भी पता है नाइनटी नाइन इसको एल कह दीजिए या ए एन कह दीजिए आप पीछे और हमें बोल रहा है कि टर्म निकालिए आप बोल रहा है ना कितने नंबर होंगे हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर यानी एक दो तीन चार ऐसे कितने नंबर होंगे तो ये जो काउंटिंग है ना इसको कहते हैं बच्चे एन हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है अब हम कैसे करेंगे आप कर सकते हैं दोनों फार्मूलाज से दो फार्मूलाज आपको पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी ठीक है ये फार्मूला होता है असल में टर्म निकालने का फॉर्मूला ए एन देख रहे हैं आप ए एन का मतलब है कि जैसे ये टर्म होती है ना ये वाली ये टर्म्स है इनमें से कोई टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये लेकिन इसमें एन तो आ ही रहा है तो मतलब जहां जहां पर एन आ रहा है वहां वहां से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरा होता है एस एन एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी ये जो फॉर्मूला है यहां पर भी एन है तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं लेकिन अब हमें देखना होगा कि उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो ज्यादा हमें सूट करता हो सूटेबल हो जो तो अब ए एन वाला लगाएंगे कैसे एस का मतलब होता है सम कि इस पूरी सीरीज का सम तो वो तो हमें दिया नहीं गया लेकिन ए का वैल्यू यहां से हमें पता है यहाँ पे हमें ए पता है इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे देखिए यहाँ पे ए पता है डी पता है और ए एन भी पता है और केवल एक चीज़ है एक वेरिएबल है एन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है केवल वो नहीं पता है तो किसी फॉर्मूले में अगर ए की वैल्यू मिसिंग हो तो वही वह हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एक वैल्यू मिसिंग है तो मतलब सीधा वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए एस एन भी मिसिंग है और एन भी मिसिंग है यहाँ पे दो 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 वैल्यूज मिसिंग है तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे हम ये वाला वैल्यू लग ये वाला फॉर्मला लगाएंगे ओके अब ए एन की जगह पे क्या रखेंगे ये जो हमने रखा था ना एल ये जो लास्ट टर्म होता है वैसे आप एन की तरह या एल की तरह भी शो वो कर सकते हैं मतलब एल मान लीजिए या ए एन मान लीजिए किसी भी रिप्रेजेंट करिए चलेगा तो देखिए ए एन का मतलब हो गया कि लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है एल का फॉर्मूला भी वही होता है जो मतलब देखिए एल का फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला ए एन एल नहीं होता ये वाला ए एन हो सकता है पर एल नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है तो लास्ट टाइम उसको आप ए एन बोलिए या एल बोलिए चलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन की जगह पे क्या रखूंगा 99 A है हमारे पास ट्वेल्व एन हमें पता नहीं है और डी हमें पता है कितना थ्री इस ट्वेल्व को इधर लेके आइए नाइनटी नाइन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ एन माइनस वन निन्यानवे से बारह गए तो कितना बचता है सतासी एवन इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एन माइनस वन

थ्री सेवन हज़ार ट्वेंटी वन थ्री एट हज़ार ट्वेंटी फोर चौबीस और तीन फिर सत्ताईस और तीन तीस फिर तैंतीस छत्तीस उनचालीस बयालीस पैंतालीस फिर पैंतालीस के बाद अड़तालीस फिर इक्यावन फिर चौवन फिर सत्तावन फिर साठ फिर तिरसठ फिर छियासठ फिर सिक्सटी नाइन फिर सेवेंटी टू फिर सेवेंटी फाइव फिर सेवेंटी एट अठहत्तर के बाद इक्यासी इक्सी के बाद चौरासी चौरासी के बाद कितना आएगा सत्तासी और फिर नब्बे आप काउंट करें एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस अच्छा पूरे लिखेंगे सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और एक तीस ये हो गया पूरा देखिए पूरे तीस टर्म्स आ रहे हैं पूरे तीस नंबर ऐसे आ रहे हैं दो डिजिट के जो थ्री से डिवाइड होंगे ये कह रहा था क्वेश्चन ओके तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट अब करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बोल रहा है इन फिगर डी ई इज पैरल टू बी सी ये आपको ट्राइंगल दिया गया है इसमें जो डी ई वाली लाइन है ये बी सी के पैरल है ठीक है, 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 है. है, है. है, है फिर बोल रहा है ए डी इज इक्वल्स टू वन ए डी वन है वन सेंटीमीटर है और बी डी है वो टू सेंटीमीटर यहां से यहाँ तक की लंबाई टू है और यहां से यहाँ तक की लंबाई वन है यानी ये वन है और यहाँ से यहाँ तक ये टू है फिर बोलता है वट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ए बी सी का जो एरिया है टू द एरिया ऑफ ए डी ए डी ये देख आपको छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला ये छोटे वाले ट्राइंगल से रेशियो निकालना है किसका इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का देख रहे आपको बड़ा वाला तो मतलब A, B, C ए बी सी का रेशियो निकालना है आपको ए डी ई के साथ और आपको दो साइड दे दी गई अब देखिए लोजे कैसे करना है इसको हम सिमिलरिटी वाले से करेंगे सिमिलरिटी वाले रूल जो है देखिए क्या कहता है वो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनमें जो एरिया का रेशियो हम बना सकते हैं उनकी दो साइड से बना सकते हैं ठीक है उनकी साइड्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ये दो ट्राइंगल है ना ऐसे करके ये ये दो ट्राइंगल है बड़ा छोटा हो सकता है और ये एक और ट्राइंगल दे देते हैं ये बनो ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है मान लीजिए ये तीनों ना सिमिलर है सिमिलर आप समझ गए कि मतलब वही मतलब इसकी फोटो ये बड़ी वाली फ़ोटो है और इसकी है और बड़ी वाली फ़ोटो तो है तीनों शक्ल तीनों एक ही है बस साइज़ में फर्क आ गया बस शक्ल एक जैसी होनी चाहिए ठीक है तो उनको सिमिलर कहते हैं तो आपको पता ही होगा भाई एक तो होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के डुप्लीकेट हो कॉपी हो तब तो, तो दोनों हर डायमेंशन में एक जैसे होने चाहिए लेकिन सिमिलर वाला रूल तो आपको पता होगा सिमिलर का मतलब जो शक्ल में एक जैसे हो साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ता साइज़ में बड़े छोटे हो सकते तो ये सब सिमिलर हैं अगर तो हम बोलेंगे इन दोनों का एरिया कैसे बनेगा अगर मुझे इसका और इसका एरिया का रेशियो निकालना है तो मैं इनकी ना साइड का आपस में स्क्वायर कर दूँ तो एरिया निकल जाएगा जैसे मान लीजिए एरिया निकालना मुझे ए बी सी और डी ई एफ इन दोनों का एरिया निकालना और इन दोनों सिमिलर हैं ये मुझे पता है कि ये सिमिलर है तो मैं कर सकता हूं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू इनकी एक साइड ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर मतलब वही दो साइड ले रहा हूं मैं उसी साइड की इसकी साइडपॉन्डिंग साइड उन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया है बस तो मुझे यहां पर पहले इन दोनों को सिमिलर दिखाना है और फिर साइड का स्क्वायर कर देना है सिंपल तो देखिए क्या करेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई ए बी सी में देखिए हमें पता है ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो आपको पैरेलल लाइन का रूल पता है कि ये ये जो एंगल होते हैं इनको कॉस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं दोनों इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो उससे जाने वाली जो ये इंटरसेप्टिंग लाइन है ये ये एंगल जो बना दी तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है ठीक है दूसरा ये जो एंगल है ए आप देखिए अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को देखूं तो इसमें भी यही एंगल आ रहा है और इससे जो बड़ा ट्राइंगल बनाऊं उसमें भी यही एंगल आ रहा है तो हमें है एंगल ए इज इक्वल्स टू है एंगल ए ए बी सी में भी एंगल ए है और एडी में भी एंगल है और ये क्या है कॉमन तो बस जब हमें किसी ट्राइंगल में दो एंगल कॉमन मिल जाते हैं तो हमें पता है जब दो एक जैसे एंगल है तो तीसरा भी तो एक जैसा ही होगा तो मतलब बाय एंगल एंगल का गया हम बोलेंगे ट्राइंगल ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडी जो है वो सिमिलर है किसके सिमिलर प्रूफ तो हो गया अब हमें पता है सो so दैट एरिया ऑफ देखिए पहले मैं क्या बोला था ए बी सी पहले ए बी सी रखेंगे यही वाली साइड लेते हैं दोनों ट्राइंगल की छोटे वाले की भी यही और बड़े वाले की भी है. तो पहले बड़े वाले की लेते हैं तो बड़े वाले की पूरी साइड कितनी है टू प्लस वन कितना हो गया थ्री का स्क्वायर अपॉन ए ई का ये साइड कितना हो गया थ्री थ्री नाइन अपॉन वन तो रेशियो क्या बना एरिया ऑफ ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ए डी ई वो आ जाएगा कितना नाइन रेशियो वन ठीक है ये हो गया क्वेश्चन फाइव हमारा कंप्लीट अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है देखते हैं क्वेश्चन सिक्स क्या है कह रहा है फाइंड अ रेशल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री रूट टू और रूट थ्री के बीच में आपको एक रेशल नंबर फाइंड करना है ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपके इससे पहले वाली क्लासेस में भी आ चुका है वहाँ पर आप नंबर लाइन पे शो करते थे कि आपको एक नंबर फाइंड करना होता था नंबर लाइन पे दो नंबर दे दिए जाते थे उनके बीच में फाइंड करना होता था नंबर बस यहाँ पे फर्क ये आ गया कि यहाँ पे रूट टू है और रूट थ्री है ये रूट में आ गए और इसके बीच में आपको एक रेशल नंबर फाइंड करना है रेशल नंबर क्या होता है रेशन नंबर वो होता है बच्चे जो इस फॉर्म में हो मतलब एक तो सारे नंबर जो आपको पता ही है नेचुरल नंबर हो गए जैसे आ, वन टू थ्री फोर होल नंबर हो गया वो रेशनल हो जाता है रेशनल नंबर होता है जैसे आप ना फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है ठीके? ये तो इसकी मतलब रियल डेफिनेशन होगी कि पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं लेकिन पी अपन क्यू में ही लिखा जाएगी जरूरी नहीं है मतलब पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं मतलब हो वो ये भी सकता है टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है माइनस टू भी हो सकता है माइनस फोर भी हो सकता है वन पॉइंट टू भी हो सकता है माइनस वन पॉइंट टू भी हो सकता है थ्री हो सकता है माइनस वन अपॉइंट थ्री भी हो सकता है ठीक है फोर हो सकता है कुछ भी हो ये रेशल नंबर होगा और ऐसा भी हो सकता है वन पॉइंट टू फाइव ये भी रेशल नंबर है ख़त्म हो गया ना ये ये भी रेशन नंबर है।, है? है इसे पी अपॉन ओन क्यू में लिख सकते हैं हम लोग ये भी सभी पी अपॉन ओन क्यू में आ सकते हैं ये ठीक है वन पॉइंट टू फाइव हो गया या वन पॉइंट जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसा रिपीट चलता जाए ये भी रेशल नंबर है तो ये रेशल नंबर होता है जो ये तो ऐसा हो और यह तो डेसीमल के बाद चल रहा होगा तो लेकिन रिपीट में हो रिपीट में हो रिपीटेशन में देखिए रिपीटेशन में चल रहा है देखिए जीरो वन जीरो रिपीटेशन में चल रहा है ऐसा हो तो हमें कोई नंबर बताना है जो रूट टू और रूट थ्री के बीच में हो अब इसे कैसे करेंगे देखिए ये रूट टू और रूट थ्री हम बहुत बार क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कई बार आता है हमारे पास एक तो जब हम वॉल्यूम सर्विस एरिया में फाइंड करते हैं तो वहाँ पर रूट थ्री कई बार आ जाता है है ना तो देख लो आप रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर है ना आ, या ऐसा कई बार हमारे पास रू, रूट थ्री बोलता है ना रूट थ्री ए डायगनल आ जाता है हमारे पास तो रूट थ्री का वैल्यू हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं हमें पता है उसका क्या बनता है पॉइंट फोर वन फोर और दूसरी लिमिट हमारे पास है वन पॉइंट सेवन थ्री टू याद है आपको बल्कि क्वेश्चन में भी गिवन होता है कई बार तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू और वन पॉइंट फोर वन फोर के बीच में आपको कोई नंबर निकालना है तो आप एक नहीं आप कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं कैसे देखिए वन पॉइंट फोर वन फोर से मुझे तो आगे चलना है और वन पॉइंट सेवन थ्री टू के मुझे पीछे रहना है तो देख रहे आप आप यहाँ की लिमिट मान लीजिए ना इसको हटा दीजिए यहाँ पे वन पॉइंट फोर रखिए और यहाँ पे वन पॉइंट सेवन ये आपकी लिमिट है इनको ध्यान रखिए तो 1.4 के आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5, 1.6 भी लिख सकता हूँ अब लेकिन 1.6 के बाद आप 1.7 लिखेंगे लेकिन आप ध्यान देखिए उसके बाद भी तो हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं जैसे वन पॉइंट फाइव वन फोर टू थ्री फाइव थ्री रिपीट कर दीजिए फिर रिपीटेशन भी दिखाइए वन के बाद 1.6 तो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं इनके बीच में वन पॉइंट सिक्स टू फोर फाइव फोर ऐसे करके लेकिन रिपीटेशन में नहीं दिखाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर वो इरेशनल हो जाएगा उसने हमसे रेशनल पूछा ठीक है तो ये देख रहे हैं आप 1.5 और 1.6 हमने सीधा लिख दिया और इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगाया हमने सीधा नंबर ही लिखे तो ध्यान रखेंगे अगर आपने वन पॉइंट जैसे लीजिए आपने वन पॉइंट फाइव लिखा और आपने डॉट डॉट लगा दिया तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये रेशनल है या इरेशनल है तो जब आपने रिपीटेशन दिखाया नहीं है तो हो सकता है मैं इसको ये ऐसा बना दूँ तो ये इरेशनल दिख जाए हमें तो आपको ध्यान ही रखना है कि रेशनल रेशनल बोला है तो रेशनल में आपको फिर या तो डेसीमल के आगे ना फिर रिपीटेशन में दिखाया जैसे फाइव फोर तो फाइव फोर तो फाइव फोर या तो ऐसा कीजिए यह सीधा वन पॉइंट फाइव को ही छोड़ दीजिए वन पॉइंट फाइव लिखिए बस छोड़ दीजिए इसके आगे मत लिखिए कुछ तब ये सही रहेगा ऐसा रहेगा तो सही रहेगा लेकिन अगर आपने वन पॉइंट फाइव लिखा और उसके आगे फिर डेसिमल लगा दिया मतलब सॉरी कंटिन्यूटी के लिए तो पॉइंट्स लगा दिए फिर गड़बड़ गड़़ हो जाएगा तो मेरी नज़र में तो ये क्या आ रहा है ये इरेशनल लग रहा है मुझे ठीक है देखने वाला इसको इ ही समझेगा क्योंकि यहाँ पर रेशनल के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वन पॉइंट फाइव के बाद वही सोचेगा कि इसमें कोई भी डिजिट हो सकती है तो वो नॉन रिपीटिंग हो गया नॉन रिपीटिंग मतलब फिर तो वो इरेशनल हो गया है ना तो यहाँ पर बोल रहा था उसने कि रेशनल नंबर निकालना है तो रेशनल नंबर हमने निकाल दिया सीधा ऐसे से लिख दीजिए कौन सा जो वन पॉइंट फोर वन फोर वन पॉइंट सेवन थ्री टू आपने रखा तो वन पॉइंट फाइव रख दीजिए बस हमें एक ही बोला था तो हमने एक ही निकाल दिया वन पॉइंट फाइव और दो बोलेगा तो वन पॉइंट सिक्स तीन बोलेगा तो वन पॉइंट फाइव के बाद और चल जाएंगे ऐसे तो बहुत सारे निकाल सकते हैं ठीक है अनगिनत नंबर होंगे इनके बीच में तो ये हो गया क्वेश्चन सिक्स भी हमारा कंप्लीट अब करते क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन सेवन कह रहे हैं आपको एच सी ओफ फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का यूजिंग यूक्लिड एल्कुदम अब देखिए आपके सिलेबस ये रिड्यूस्ड है यूक्लिड के तरीके से अगर मतलब सॉल्व करना हो क्वेश्चन को यूक्लिड मैथड से सॉल्व करने वाला हटा रखा है तो लेकिन एच के लिए तो नहीं बोला है एच आ भी सकता है तो एच करने का तो आपको पता है जो हम पहले से करते आ रहे हैं एच मतलब हाइस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके ठीक है ठीके? और तो उसको तरीका तो हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं तो यूक्लिड के तरीके से हमें करना नहीं है लेकिन नॉर्मल हम कर सकते हैं तो जैसे आपने देखा होगा एच से निकालने का तरीका क्या है कि आप डिवीजन मैथड से कर सकते हैं सेवन थ्री डबल फोर तो क्या करेंगे आप ट्वेल्व सिक्सटी से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये जा रहा है ये इसको मैं बारह सौ मान लेता हूँ ट्वेल्व हंड्रेड और इसको मान लेता हूँ कितना सात हज़ार सेवनटी टू मान लेता हूँ सेवेंटी थ्री है ना तो सेवेंटी टू मान लेता हूँ इसको और इसको मान लेता हूँ ट्वेल्व हंड्रेड ठीक तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व सिक देंवेंटी टू तो सिक्स टाइम्स तो होता है तो मैं करता हूँ सीधा सिक्स से चेक सिक्स जीरो जीरो सिक्स जीरो थर्टी सिक्स थ्री सिक्स जीरो थ्री फिफ्टीन सिक्स वन जी सिक्स सेवन सेवन फाइव सिक्स जीरो जा रहा है तो सीधा फाइव टाइम जाएगा फाइव जीरो 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 फाइव सिक्स थर्टी कैरी थ्री फाइव टू जो टेन प्लस थ्री थर्टीन कैरी वन फाइन जो फाइव प्लस वन सिक्स गया फोर फोर जीरो और सेवन माइनस सिक्स वन वन जीरो फोर फोर आ जाएगा अब आपको है ये आगे अब ये यहाँ आ जाएगा ट्वेल्व फिर जाएगा कितना वन जीरो फोर ये एक हज़ार ये बारह सौ तो वन टाइम ही जाएगा क्योंकि वन थाउजेंड टू जाएगा तो टू थाउजेंड हो जाएगा तो वन जीरो फोर फोर टेन माइनस फोर कितना होता है सिक्स या बचेगा फाइव माइनस फोर वन या टू एज इट इज़ आ जाएगा टू हंड्रेड सिक्सटीन वन माइनस वन तो जीरो होता है फिर तो ये इधर आ जाएगा तो कितना जाएगा ये टू हंड्रेड हो गया या वन थाउजेंड हो गया टू फाइव जै टेन होता है ठीक है लेकिन ये ज़्यादा जाएगा क्योंकि टू हंड्रेड फाइव जै होता है वन थाउजेंड और सिक्सटीन फाइव ज़्या होता है एटी तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो टू हंड्रेड फोर करूंगा मैं फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर कैरी टू फोर वनजा फोर प्लस टू सिक्स फोर टू जो एट फोर माइनस फोर ज़ीरो फोर्टीन माइनस सिक्स कितना होता है एट यहाँ बचेगा जाएगा नाइन नाइन माइनस एट होता है वन टू हंड्रेड सिक्सटीन इधर जाएगा अब ये कितना जाएगा देखिए वन एटी ये एक सौ अस्सी है दो सौ तो वन टाइम ही जाएगा, 180. 6, 11 जाएगा 3, वन एटी ये आ जाएगा सिक्स यहाँगा ग्यारह में साठ तीन एक जीरो हो और ये आ जाएगा वन एटी ठीक है तो ये जाएगा कितना थर्टी सिक्स फोर्टी फोर फोर जै सिक्सटीन और फोर फाइव जैड ट्वेंटी तो ये लगभग चालीस हो गया तो फोर फाइव जै करूंगा तो ट्वेंटी हो जाएगा तो थर्टी सिक्स फाइव जै करता हूँ मैं फाइव सिक्स जैड थर्टी कह रही थ्री फाइव जी फिफ्टीन और वन एटी ये तो मतलब जिस नंबर ने इसको जीरो कर दिया वही एच सी एफ है तो एच सी एफ टू कितना क्या थर्टी सिक्स ठीक है ठीक है तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन तक और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन ठीक है थैंक यू